Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? And in today's video, we are going to talk about some hair products. It's ironic we're going to talk about some hair products while my hair looks like this. Don't worry, I just shot for a Halloween video. It's October, it's the time when I shoot for Halloween stuff. And this is the look that I did. You will see when the reels will be up. I hope they are already up. I'm pretty sure they'll be already up. So yeah, don't be scared. I'm just in my Halloween getup. Okay. So today I'm going to talk about some hair products, and I have written all of them here in my diary because मैंने बहुत time से इनको try कर रही थी. तो कुछ इनमें से ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैंने फेंक दिए. Yeah. ठीक है. So without any further ado, let's get into this video. Let's talk about some things and let's go. Oh, starting off, we will start with B Blunt because मैंने B Blunt के बहुत सारे products try करे हैं. ठीक है. Now, if you don't know, B Blunt was a brand from Adhuna. Adhuna का surname मुझे नहीं पता, but she was ex-wife. She is the ex-wife of Farhan Akhtar. So Adhuna was a renowned hair stylist for celebrities. I am pretty sure that is how she met Farhan Akhtar. I guess I'm guessing. Okay, I'm just saying things right now. ठीक है. तो अधूना ने अपना ये ब्रांड बी ब्लंट स्टार्ट किया था, एंड आई थिंक मैंने फर्स्ट बी ब्लंट 2019 में ट्राई करा था, एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस विद द प्रोडक्ट. मैंने उसके कई सारे शैम्पूज, एक एंटी फ्रिज क्रीम आती थी, लीव इन क्रीम, एंड ये कई सारी चीजें मैंने यूज करी थी, एंड आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड विद दैट ब्रांड तब. एंड आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ये ब्रांड एक्चुअली किसी बड़ी कंपनी ने खरीद लिया है. तो अब ऐसा हो गया है कि इनके प्रोडक्ट्स ना लाइक दे आर चर्निंग प्रोडक्ट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर. लाइक कंज्यूमर्स को देने के लिए उनके पास हर तीसरे दिन एक नया प्रोडक्ट होता है. Right, and this is where the things get a bit tricky because when you put out products itne sare, some of the products are really nice and some of the products are just really not so good. Okay, so starting off with first things, I have this is the heat protectant serum from B Blunt, and I think ye na abhi is point pe yahan par hai. I have used itna sara, sirf ye yahan tak reh gaya hai. I've really liked this one. Like it is a heat protecting hair mist and it has great. And it really protects your hair from all the heat. This is one of these things that I would highly, highly recommend from B Blunt because this is a really, really good thing. Okay. Coming to the things from B Blunt that I did not like was a dry shampoo. मैंने वो dry shampoo, I don't know कहाँ फेंक दिया because it was so bad. It was so bad. I can't explain. मैंने इससे घटिया चीज आज तक नहीं देखी. इतना गंदा dry shampoo था वो. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको ना बल्क क्वांटिटी में अपने बालों में स्प्रे किया, येट उसने एक छोटा सा कण भी ग्रीस का मेरे बालों में से कम नहीं किया. दैट इज हाउ बैड दैट ड्राई शैम्पू वॉज. इट जस्ट डिड नॉट क्लेंज एनीथिंग एट ऑल. एंड नेक्स्ट डे द बिल्डअप इन माई हेयर वॉज सो बैड कि मैंने एक बार बाल धोए हैं तो भी उसका बिल्डअप नहीं निकला. देयर वर फ्लेक्स ऑफ द ड्राई शैम्पू स्टक इन माई हेड. मैंने सुबह 15 मिनट लगा के अपने सिर में से वो सारी चीजें निकाली, नहीं तो यू नो ऑफिस में लोग सोचते हैं कि इसके सिर में इतना डैंड्रफ है, शी इज सो डर्टी. इट वॉज सो बैड. आई वुड नेवर रिकमेंड यू दैट ड्राई शैम्पू, एंड इट्स सच अ शेम बिकॉज वो लिटरली 550 रुपए का था एंड येट इट डज नथिंग एट ऑल. दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट प्रोडक्ट्स आई हैव एवर सीन ऑन दिस अर्थ. आई हेट इट सो मच. आई कांट एक्सप्लेन हाउ बैड दैट वॉज. ओके, सो वन गुड वन बैड. देन अनदर थिंग फ्रॉम बी ब्रांड दैट आई हैव ट्राइड वाज वन ऑफ देयर पिंक कलर का शैम्पू आता था, वो आई थिंक इस हीट प्रोटेक्टेंट के साथ मिला था मुझको. वो मेरे घर पे था, अब मैंने वहां भी खत्म कर दिया. इट वॉज गुड शैम्पू. आई थिंक इट वॉज मोर लाइक हेयर फॉल कंट्रोल टाइप ऑफ शैम्पू या एंटी डैंड्रफ कुछ था. इट वॉज गुड शैम्पू, अ डिसेंट शैम्पू. अगर आपको कॉम्बो में 500 रुपए में ये दो चीजें मिल रही हैं, आई थिंक दीज बोथ आर ग्रेट बायज. यू विल लाइक द बी ब्रांड शैम्पू, दे आर रियली नाइस. ओके, एज अ शैम्पू, नाउ मेरी शैम्पू की एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होती है कि वो मेरे बालों को साफ कर दे, दैट्स इट. तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो शैम्पू बहुत अच्छा था. अगर आपकी शैम्पू से रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हैं कि मेरे हेयर फॉल रोके, ये करे वो करे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बिकॉज दिस इज नॉट हाउ शैम्पूज वर्क फॉर मी. मुझे हेयर फॉल का इतना इशू नहीं है, ना मेरे सिर में डैंड्रफ है. आई जस्ट वॉन्ट माई हेयर टू बी क्लेंस बिकॉज आई हैव सुपर ऑयली स्कैल्प, दैट इज इट. ठीक है, सो शैम्पूज आर गुड, यू कैन ट्राई देम आउट. So this is the anti-frizz cream. I use it every other day जब भी मैं बाल धोती हूँ, and it really calms down the frizz in my hair. I have super frizzy wavy hair, so मुझे anti-frizz type की creams बहुत लगती हैं. Like in monsoon season, these are my savior. I really need them because my hair is super wavy, super frizzy. Okay, so I like this one. It is good. Would I say that this is the one thing you will need as an anti-frizz control type of thing? No. It is decent if you have not too much frizz. Like my hair is still on the manageable side. तो अगर मैं थोड़ा बहुत उसमें सीरम वगैरह कुछ लगा लेती हूँ, मेरे बाल बहुत मैनेज हो जाते हैं. अगर आपके हेयर बहुत ड्राई हैं, बहुत वेवी हैं, बहुत फ्रिजी हैं,
आई डोंट थिंक इट विल डू अ लॉट फॉर यू. आई थिंक फर्क ये रहेगा कि आपको इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन हाउ वेवी योर हेयर इज, हाउ थिक योर हेयर इज. इट विल काम डाउन द फ्रिज इन योर हेयर. इट इज अ गुड प्रोडक्ट लाइक दैट. आई वुड रिकमेंड यू इफ यू डील विद फ्रिज. इट्स नॉट अ बैड वन. ओके, इट्स डेफिनेटली नॉट अ बैड वन, अ गुड वन फ्रॉम बी ब्लेंड. डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. नेक्स्ट मेरे पास एक और चीज है बी ब्लेंड की. इट वॉज अ हेयर मास्क. हेयर मास्क विद अ हीट कैप. मैंने अभी तक उसको यूज नहीं किया है. I think I hope by the time I will upload this video, वो मैं actually use कर चुकी होंगी. So I will edit the part of review. अगर मैंने नहीं की होगी तो I will do a reel. So yeah, stay tuned for that as well. Okay. Then we have Earth Rhythm Scalp Scrub. Now, can you imagine? We have scalp. We have scalp scrub. We have scalp scrubs in town. ठीक है. एंड दिस हैज AHA एंड बीटेन. और ये यहाँ पर है. मैंने काफी यूज करा है. मैं इसको आई थिंक वीक में एक बार यूज जरूर करती हूँ स्कैल्प स्क्रब करने के लिए. इट रियली क्लेंजेज योर हेयर. लाइक वो एक क्लेनलीनेस जो आपके हेयर में इसके बाद आती है ना, आई हैव नेवर सीन अ शैम्पू डू दैट. अगर आपके ऑयली बाल हैं तो वंस इन अ वाइल टू क्लीन ऑल दैट बिल्डअप, दिस इज अ रियली गुड थिंग. इसमें AHA है और बीटेन है. ऐसा जिसने मेरे एयर को ऑयल को कंट्रोल करने में कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड काम नहीं किया है, बट हाँ, वंस इन अ व्हाइल व्हेन यू थिंक योर हेयर इज लाइक सुपर डर्टी, लुक्स लाइक इट्स वेरी डर्टी, इट नीड्स दैट क्लीनलीनेस, दिस इज अ गुड प्रोडक्ट. आई वुड रिकमेंड दिस. एंड आई थिंक ये बेरली लाइक 200 250 300 रुपए तक का था. सो या लाइक मैं इसको पिछले 4-5 महीनों से यूज कर रही हूँ. सो इट्स ग्रेट. ओके, डू बाय दिस. ओके, नेक्स्ट अब मेरे पास सिर्फ यहाँ बचे हैं एक दो चीजें रह गई हैं. एंड एक्चुअली मेरे पास तीन चीजें हैं जिसमें मैंने अभी लास्ट मिनट में इसको ऐड करा है. दिस इज हर्बल एसेंस व्हाइट स्ट्रॉबेरी स्वीट मिंट शैम्पू. दिस इज लाइक योर क्लेंजिंग शैम्पू. जैसे वो होते हैं ना, जैसे लॉरियल का क्ले शैम्पू था, राइट? दैट क्ले शैम्पू ब्लू बॉटल, यू नो इट इज डिसकंटिन्यूड. एंड आई जस्ट फील सो सैड दैट इट इज डिसकंटिन्यूड. लाइक व्हाई द हेड वुड यू डिसकंटिन्यू समथिंग सो ग्रेट? I don't know. It's really bad. So that is discontinued. So I got this one. This is for your cleaning the scalp. And I have super oily scalp. I really need something that cleanses my head. So yeah, I'm trying this right now. देखो अभी तो बिल्कुल शुरू ही किया मैंने. एक बार धोया सिर्फ. And I just felt like my hair was cleansed quite well. I like this shampoo so far. But for a longer run, I would like to try this. And then we will get into the nitty gritties of how I feel about it. Okay, so I'm just giving you a heads up. लास्ट के दो प्रोडक्ट्स रह गए हैं. एक है लव ब्यूटी प्लैनेट का शैम्पू, विच वॉज द टी ट्री काइंड ऑफ अ शैम्पू, या टी ट्री वाला वर्जन था उसका. आई एम सॉरी, लव ब्यूटी प्लैनेट के शैम्पूज हैव बीन सच अ मिस फॉर मी. आई डोंट नो, लाइक एंटी फ्रिज वाला मैंने वो लेवेंडर वाला ट्राई करा था. इट डिड नॉट कंट्रोल मच फ्रिज इन माई हेयर. ठीक है, देन मैंने ये वाला ट्राई करा टी ट्री टू क्लेंज योर हेड. यार वो सब कुछ करता है, बस सिर को क्लेंज नहीं करता. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इज दैट a shampoo is unable to clean your hair the way it should be cleaning. They are not super cleaning. Like agar aapko tea tree type ki cheeze use kar rahe ho apne baalon mein, which means that your scalp must be super oily and your hair must get very dirty over the time, because mere scalp mein build up bahut hota hai. I have super oily hair, super oily scalp, sorry. Theek hai, but that shampoo does not clean anything at all, which is such a bad thing. Like agar maine ek shampoo liya hai to uske ek minimum cheez honi chahiye ki wo aapke baalon ko saaf kare. Wo wahi nahi karta. Theek hai, तो आई रियली हेटेड इट. उसका मैंने एक तोड़ ये निकाला है कि मैंने बेसिकली उस शैम्पू के अंदर ना एक और कोई शैम्पू था मेरे पास जो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आता. आई थिंक लॉरियल का कोई शैम्पू था. मैंने वो दोनों मिक्स कर दिए ताकि एटलीस्ट उसका झाग बने. ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम कंबाइंड आई थिंक 6-7 महीने में खत्म हो जाएंगे. आई वुड फिनिश देम अप. या दैट इज वेरी इट्स प्रीटी सैड बट इट इज व्हाट इट इज. ओके, नेक्स्ट अप आई हैव द लास्ट थिंग इज दिस डीकंस्ट्रक्ट का AHA BHA एक्सफोलिएटिंग स्कैल्प सीरम. आई हैव यूज्ड दिस लाइक 5-6 टाइम्स, मतलब 5-6 बार में इतना ही कर पाई हूँ. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, yeah, it didn't do much for me. I don't know. Like मैंने ना इसको 3-4 हफ्ते यूज करा. ठीक है, हफ्ते में दो बार से ज्यादा यूज नहीं करना. तो आई यूज इट फॉर लाइक 3-4 वीक्स, ट्वाइस अ वीक, एंड आई जस्ट कुडंट सी एनी डिफरेंस. लाइक मुझे नहीं लगा कि मेरे सिर में से कोई भी ऑयल कंट्रोल हुआ है. लाइक आई थिंक 3-4 वीक्स इज लाइक अ गुड मंथ, एंड इतने में एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए था. बट आई हैवंट सीन एनी डिफरेंस एट ऑल. पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है दैट आई हैवंट गिवन इट इनफ ऑफ इट्स, यू नो क्या होता है वो, मैंने इसको भी पूरा वो नहीं दिया है. आई रियली नीड टू यूज इट फॉर लाइक, जब तक एटलीस्ट ये बॉटल हाफ से नीचे नहीं जाती, विच विल बी लाइक ओ माई गॉड 6 महीने. वाओ, आई एम नॉट श्योर दिस डज एनीथिंग. एंड इट इज लाइक सुपर एक्सपेंसिव, 700 रुपए का आएगी. और मैंने आई थिंक 650-600 के रेंज में लिया हो गया, पर 500 में इतने पैसे लगाए हैं. आई हैव टू यूज इट अगेन एटलीस्ट जब तक मैं इसको यहां तक नहीं ले आती. इट डिडंट डू मच फॉर मी. आई विल जस्ट से दैट
इफ इट हैज वर्क फॉर यू डू लेट मी नो कि इसको कैसे यूज करना है इफ इट इज रियली गुड बट या ओके सो इफ यू वांट टू बाय एनी ऑफ दीस प्रोडक्ट्स आई विल लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू टू चेक आउट आई होप दिस वीडियो वाज सुपर हेल्पफुल प्लीज लाइक बटन सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो गाइस